नमस्कार दोस्तों, मैं प्रद्युमन, मधेपुरा जिला बिहार के रहने वाला। और जैसे कि मैंने कल बात किया था सोच पे, बिकॉज द मोस्ट पावरफुल एनर्जी वेल दिस इन थॉट, जो कि कल आप लोगों ने देखा, और मैंने कल उसमें बहुत कुछ बातें कम बोला था, ज़्यादा नहीं बोला था। वो इसलिए क्योंकि अगर ज़्यादा बोलते हैं तो वीडियो बहुत लंबा होता, इसके लिए मैंने कम बोला, और मुझे लगता है कल भी मुझे बोलना पड़ेगा। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं सेशन की ओर, जो सेशन का नाम है सोच। आप सभी को एक चीज़ मालूम होना चाहिए कि देखिए, अगर सफलता के सफर में सबसे ज़्यादा अगर अहम रोल होता है तो वो होता है सोच का। क्योंकि आदमी अगर कुछ भी करता है तो सबसे पहले सोचता है कि नहीं मुझे क्या करना है ना। अभी देखिए, मैंने कल एक कौवा और बाज का कहानी मैंने बताया था कि बाज जो है अंडे को चोंच में दबा के कहीं जा रहा होता है और कौवे के घोंसले में गिर जाता है, तो किस तरह से कौवा उनको पालता है और उनके सोच को बंद कर देता है। तो उसी तरह से दोस्तों, जब एक देखिए छोटा सा एग्जांपल, जो कि हर किसी के घर में एग्जांपल है, हर किसी के घर में एग्जांपल यही है सोच का। क्या है कि माँ बाप, फैमिली, रिश्तेदार, ये लोग जो है ना सोच को छोटा कर देता है, जो वो बड़ा होने के बाद जो है कुछ बड़ा नहीं सोच पाता है और कुछ बड़ा नहीं कर पाता है। वो तो चाहता तो है कि मैं भी अगर काशिया बन जाता, लेकिन दोस्त देखिए क्या है, आप बन जाओगे नहीं, आपको करना पड़ेगा। जब तक आप करोगे नहीं तब तक होगा नहीं। आप सोच रहे हो कि नहीं मुझे ये करना है, लेकिन आपको उसी पे अडिग रहना पड़ेगा, तभी जाके आप कर पाओगे। तो अब देखिए क्या होता है, जब आप हम लोग बच्चे थे तो तभी क्या होता था, जब हम नादान थे, हम कुछ समझ नहीं पा रहे थे, तो तभी हम क्या बोलते थे, जब मम्मी पापा पूछते थे कि बेटा पैसा चाहिए, मतलब मस्ती में पूछते हैं ना कि मतलब क्या चाहिए पैसा, तो बोलता है मम्मी मुझे पैसा चाहिए, कितना पैसा चाहिए, तो वो पूरा हाथ पीछे और जितना पीछे जा सके उतना वो बोलता है कि मुझे इतना चाहिए। जैसे जैसे वो बड़ा होते जाता है, जैसे जैसे वो समझने लगता है, समझदार होने लगता है, वो अपने माँ बाप घर परिवार का हालात देखता है, उस हिसाब से उसका हाथ ऐसे करके धीरे 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 छोटा हो जाता है। वो छोटा क्यों होता है, वो इसलिए होता है क्योंकि अगर बच्चे को 10 रुपये का अगर टॉफ़ी पसंद है तो मम्मी बोलता है बेटा 10 रुपये अगर रहेगा ना तो नमक आ जाएगा। बेटा अगर मम्मी मुझे ये लेना है, खेलना है, मुझे बॉल चाहिए, तो फिर क्या बोलते हैं कि बेटा अगर ये पैसा बचेगा तो हम ये कर लेंगे। तो उससे क्या होता है, तभी से उसका सोच जो है धीरे धीरे बंद छोटा होते जाता है और वो बड़ा नहीं कर पाता है। जैसे कि अभी अगर कोई अगर बोले ना कि मुझे डॉक्टर बनना है मम्मी, मुझे MBBS की तैयारी के लिए 5 लाख रुपए चाहिए, तो उसके माँ पिताजी बोलेंगे बेटे पैसे नहीं है हमारे पास। तो क्या होता है, इसी तरह से सोच बंद हो जाता है। हम उन सभी लोगों से यही कहना चाहेंगे और मैं यही न्यूज़ देना चाहूँगा सभी को कि देखिए, जो जो करता है उसको वो करने दीजिए, रोकिए मत, और वो उसी लाइन में देखिएगा आपका नाम रोशन करेगा। जहाँ तक अभी तक मैंने भी बहुत सारा स्ट्रगल किया है, जो भी हमारे क्लोज फ्रेंड है और जो भी मुझे जानते होंगे और जो भी मुझे देखे होंगे ये चीज़ कि मैंने क्या किया, मैंने कितने स्ट्रगल किया, सभी आप लोग जानते होंगे, लेकिन फिर भी अभी छोड़े नहीं है। बहुत सारे लोग तो मुझे ये भी बोले हैं कि भाई अगर मैं तेरे जगह होता तो मैं ये छोड़ देते, क्योंकि मेरे दिमाग में वही कीड़ा है कि नहीं मुझे बनना है तो एक्टर, और मैं एक्टर बनूँगा। तो देखिए, उस चीज़ के लिए पागलपन होना चाहिए, जुनून होना चाहिए अंदर में कि नहीं मुझे बनना है तो बनना है, चाहे कुछ भी हो जाए। क्योंकि भगवान कृष्ण का कहना है कि देखो, चुनाव तो इंसान को खुद को ही करना पड़ता है, चुनाव आपको खुद करना पड़ेगा कि नहीं आपको क्या चाहिए। आपको अगर ये चाहिए कि नहीं मुझे बनना है, तो आपको उस चुनाव पे खड़ा उतरना पड़ेगा, यानी कि दूसरा कोई समझाएगा, समझे। तो यही हम बोलेंगे, इससे ज़्यादा हम क्या बोलेंगे बाद में, कि आप सब समझदार हैं। अभी का जो जनरेशन है, अभी का जनरेशन में क्या है कि लोग देखते, देखिए मैं आप सभी को एक बात और बताना चाहेंगे, आप सब ये इस चीज़ के लिए नहीं आए हो, गुटखा खाने के लिए नहीं आए हो, वैसे नहीं। आप कितने लाख योनि के बाद इंसान जो है मनुष्य में पैदा होता है, और हर एक इंसान का जो है ना मतलब एक अहम रोल होता है धरती पे आने का, उसका एक विशेष होता है कि मतलब ये कुछ अलग करके दिखाएगा, वो उसी उद्देश्य से आता है। तो हम यही कहेंगे सभी दोस्तों महानुभाव से कि आप लोग अपना उद्देश्य को पूरा करें, जिस उद्देश्य से आए हैं। आपके दिमाग में जो चीज़ ज़्यादा बार बार चलता है, अगर आप नहीं कर रहे हैं और आपके दिमाग में वो बात ज़्यादा चल रही है, आपको आर्मी बनना है, आपको डॉक्टर बनना है, आपको एक्टर बनना है, अगर आपके मन में ज़्यादा आ रहा है कि नहीं मुझे एक्टर बनना है, तो आपको एक्टर बनना है, आपका उद्देश्य वही था एक्टर बनना। अगर आपके दिमाग में आ रहा है कि नहीं मुझे डॉक्टर बनना है, बार बार अगर डॉक्टर का आता है ख्याल, तो आपका उद्देश्य यही है कि आप
एक डॉक्टर बनने आए थे समाज का भला करने के लिए, समाज का सहायता करने के लिए, मदद करने के लिए। तो आपके माइंड में जो बार बार चीज़ आता है आप उस चीज़ पे अडिग रहो और उन चीज़ को करो, मेरा कहना यही है और मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। बाद बाकी आप सभी बहुत समझदार हैं, बहुत सारे मोटिवेशनर सब हैं जो कि वो सब भी आप सभी के लिए बहुत सारे अच्छे अच्छे वीडियो डालते हैं। अभी एक हमारे पटना के है खान सर जो कि वो भी बहुत अच्छी अच्छी बात बताते हैं, आप सभी को सुने। देखिए मैंने ये नहीं रखता है कि ये हमसे छोटा है कि बड़ा है, सीख हर किसी से मिलता है और आपको भी उस सीख को, उस चीज़ को, उस ज्ञान को अपने अंदर लेके करना है। भाई मैं तो यही कहूँगा, ये ज़िंदगी एक बार मिलता है और इस ज़िंदगी को अच्छे से जियो और आप जिस हालात में पैदा हुए हो उस हालात को चेंज करो और अपने माँ बाप का नाम रोशन करो, समझे भाई। और मैं इसे ज़्यादा क्या बोलूँगा, मैं भी अभी स्ट्रगल कर रहा हूँ, मैं भी कोई बड़ा नहीं बना हूँ। आप बोलोगे कि पहले खुद तो बन जा फिर उसके बाद मुझे उद्देश्य देना, भाई ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप सब भी कुछ करो, आप सब भी कुछ करो, अपने माँ बाप का नाम रोशन करो ताकि आपके माँ बाप का नाम आपके कारण फख्र और गर्व से ऊँचा हो कि नहीं मेरा बेटा ने कुछ किया। और इससे ज़्यादा मैं क्या बोलूँगा, बोलते हैं ना कि छोटी मुँह बड़ी बात, तो ऐसी बात नहीं है। ये होता है वही कि हम तो हमेशा एक ही बात बोलेंगे। देखिए लोग कहते हैं गांव में कि बेटा पैर उतने फैला जितना चादर है, लेकिन मैं ये कहूँगा भाई पैर फैलाओ, देने वाला ऊपर वाला है वो देगा और आपका पूरा जहाँ तक आप सोचोगे वहाँ तक वो चादर देगा। धन्यवाद।